हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 400 क्वेश्चंस खत्म कर चुके थे। 401 से हमें बात करनी है। 401 वा क्वेश्चन है, आपको पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक शामक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है झाग वाला। 401वें क्वेश्चन में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह आप टुकड़ा आपका तैरता हुआ जलने लगेगा। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, सोडियम का। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन के बारे में। शून्य समूह में रखे गए तत्व, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको बता देना है निष्क्रिय तत्व। डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। क्वेश्चन है छठवा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये आपकी निकेल। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है सात। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। साथ में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा आठ। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो यह आपका फेरिक क्लोराइड। क्वेश्चन है हमारा नौ। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखना तांबा। कौन सी धातु थी ये? तांबा थी। जो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई तांबा धातु। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा दस। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर ने इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो यह आपका तांबा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ए होगा। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। कैलोरी मीटर बनाया जाता है। कैलोरी मीटर बनाया जाता है। ये बनाया जाता है तांबा का। क्वेश्चन है हमारा 12। तड़ित चालक निर्मित होते हैं या कि तांबा से? तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा से। 12 में आपका बी। क्वेश्चन है 13। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता किसका बना होता है? तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 13 में ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के विषैले कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है आपकी? तो यह आपकी तांबा। क्या है? तांबा। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
संचारण, बात करते हैं 16वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर को की लेप टेप लिपित रहती है? तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो याद रखिए लोहा। 17 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 18, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 19, शुद्ध सोना होता है? शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का। क्वेश्चन है 20, पारा का निष्कर्षण किया जाता है? सिने बार से। सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव धातु है? मरकरी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 22, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को लोहा के पात्र में रखा जाता है। क्वेश्चन 24, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये आपका गैलेना। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? शीशा की। 25 में आपका बी होगा सही। क्वेश्चन है 26, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका शीशा। ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो ये आपका टाइटेनियम। 27 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 28, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है? जिरकोनियम। 28 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 29, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये आपकी पैलेडियम। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये है आपकी गैलियम। 30 में आपका डी है। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनियम, प्लेटियम को। 31 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 32, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? ये आपकी प्लेटिनम। डी ऑप्शन सही है।
बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये आपकी टंगस्टन। 33 में आपका सी होगा। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो याद रखिए टंगस्टन का। 34 में भी आपका बी होगा। बात करते हैं 35वां, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 36वां क्वेश्चन, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? तो यह आपका सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। बात करते हैं 37वां क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना सिलिकॉन का। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 38, किंतिम हीरा के नाम से जाना जाता है? किंतिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। ए ऑप्शन सही है 38 क्वेश्चन में। ठीक है, बात करते हैं 39 क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? ट्राइटियम। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो ये आपकी Cu। क्या है? बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है आपका जल। बात करते हैं 42 क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये है आपकी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 43, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1। क्वेश्चन है हमारा 44, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो ये होता है 1:8। बात करते हैं 45 क्वेश्चन, भारी जल की खोज किसने की? तो ये थी आपके एच यूरे। बात करते हैं 46 क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? ये आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 47 क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन आपका नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 48, बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो यह आपका नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है हमारा 49, प्रकाश रासायनी
धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। बात करते हैं 50 क्वेश्चन। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। बात करते हैं 51 क्वेश्चन। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप है? लाल फास्फोरस। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता जल में? पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। बात करते हैं 53 क्वेश्चन। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? सेलिनियम। 53 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 54। घरेलू पिसितित में सामान्यतः कौन सा पिसितक प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखना अमोनिया। 54 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 55। जल में आसानी से घुलनशील है आपका अमोनिया। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ये आपकी ओजोन। क्वेश्चन है हमारा 58। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है? फ्लोरीन। क्वेश्चन 59। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन है हमारा 60। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? यह आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन है हमारा 61। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। बात करते हैं 62 क्वेश्चन। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 63। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस होती है कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? यह आपकी हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। क्वेश्चन है हमारा 64। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बात करते हैं 65। एरोसोल का उदाहरण है?
एरोसोल का उदाहरण है आपका धुआं। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 66। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्वेश्चन है हमारा 67। वायुमंडल में कौन सी गैसें पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? यह है आपकी ओजोन। क्वेश्चन है 68। कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ बीजन बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव हैं? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। 68 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 69। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाए गैस है एथिलीन। क्वेश्चन है हमारा 70। निम्नलिखित में से कौन सा पीडक नाशी ओजोन का ह्रास करता है? मेथिल ब्रोमाइड। बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की। एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिक सैलिसिलेट एसिड का। क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? कोयला। क्वेश्चन है 73। गामा किरणों से क्या होता है? जीन म्यूटेशन। क्वेश्चन है हमारा 74। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्वेश्चन है हमारा 75। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? याद रखना ये आपकी हीलियम है। क्वेश्चन है हमारे 76। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो याद रखना मेथाइल आइसो साइनेट के कारण। ये बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना आपको। भोपाल गैस त्रासदी आपकी मेथाइल आइसो साइनेट के कारण घटी थी। क्वेश्चन है 77। बारूद का मिश्रण होता है, बारूद का मिश्रण होता है नाइटर सल्फर चारकोल का। क्वेश्चन है 78। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। उन्यासी। फियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? पीसी तक के रूप में। क्वेश्चन है हमारा 80। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन।
क्वेश्चन है 81। इसी तक फियोन है, डाइक्लोरो मैथेन। क्वेश्चन है हमारा 82। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन द्वारा। क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ये आपकी इथिलीन। क्वेश्चन है हमारा 84। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन है हमारा 85। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन। क्वेश्चन है हमारा 86। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन है हमारा 87। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है हमारा 88। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें होता है। निकोटीन। इसमें याद रखना है आपको 87 में प्रमुख वायु प्रदूषक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। क्वेश्चन है हमारा 89। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है आपका बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। क्वेश्चन है हमारा 90। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है या मापता है? लाइकेन। बात करते हैं 91 क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो यह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है हमारा 93। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन से। क्वेश्चन है हमारा 94। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है हमारा 95। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? जलवाष्प। क्वेश्चन है 96। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इसमें इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। बात करते हैं हम लोग 97 क्वेश्चन। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कृंतनाशी के रूप में। बात करते हैं 98 क्वेश्चन। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आपको बता देना है नाइट्रोजन का।
क्वेश्चन हमारा 99। वायु का मुख्य घटक है, वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। क्वेश्चन है 500। बॉन एस में होता है कैल्शियम फॉस्फेट। बॉन एस में आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो चलिए ये थे आपके 500 क्वेश्चन सर। आगे हम लोग 501 से बात करेंगे, ठीक है।